मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। आए दिन बिजली घंटों गायब रहना और बार बार केबलों का जलना शहर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। लॉकडाउन होने की वजह से लोग घरों में हैं और अब रमजान का महीना भी शुरू हो गया है। टोरेंट आने से लोगों को काफी उम्मीदें थी कि बिजली व्यवस्था मुमरा कौसा में ठीक रहेगी, मगर इस लॉकडाउन में और रमजान के महीने में मुमरा कौसा में टोरेंट पावर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तस्वीरें देखें, पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। मुमरा कौसा के कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली गायब रहती है। इसी समस्या को लेकर एनसीपी के कलवा मुमरा के आमदार व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र रवाड़ और सैयद अली भाई साहब और शमीम खान के नेतृत्व में नगर सेवक जफर नुमानी और राजू अंसारी खरड़ी रोड बैंकेट हॉल में टोरेंट पावर के ऑफिस में बिजली की हो रही परेशानियों की शिकायत लेकर टोरेंट पावर के जनरल मैनेजर शेख साहब से मुलाकात की और शेख साहब से बताया मिलकर कि आखिर मुमरा कौसा में बार बार बिजली क्यों काटी जा रही है, आखिर बिजली कटने केबल जलने के बाद लोग टोरेंट से संपर्क कैसे करें। इसके लिए मुमरा कौसा 2 से 3 भागों में बांटा जाना चाहिए और इन्हें हेल्पलाइन नंबर अलग अलग दिया जाए और हेल्पलाइन नंबर जिन कर्मचारियों को दिया जाए वो मुमरा कौसा की जानकारी रखते हो और मुमरा कौसा के बारे में उन्हें मालूमात हो। इस लॉकडाउन में घंटों बिजली गायब रहने से लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं जफर नुमानी ने बताया है कि हमने मांग की है कि टोरेंट पावर अगर बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं करती है तो टोरेंट के खिलाफ लॉकडाउन खत्म होने के बाद आंदोलन होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुमरा कौसा की आवाम को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से टोरेंट कंपनी के आने के बाद लाइट से जो मुमरा कौसा का बुरा हाल है, जहां पर 15-15 घंटा 14-14 घंटा 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट नहीं रहती फोल्ड होने के बाद और कंप्लेन अटेंड नहीं हो पाती। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई फोन करता है तो इनका कॉल सेंटर भिवंडी में है, भिवंडी में से जब वहां फोन करो तो उनको ये पूछना, वो पूछते हैं कि आप कंज्यूमर नंबर बताइए, वो कंज्यूमर नंबर बताओ, वहां पर नए लोग बैठे हैं, फिर वो जिसको कंप्लेन देते हैं, जो लोग यहां कंप्लेन अटेंड करने आते हैं वो लोग 3-3, 4-4 घंटा एड्रेस ढूंढने में लगा देते हैं। तो इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए मैं और राजू अंसारी हम दोनों लोग आज टोरेंट कंपनी गए हुए थे खड़ी रोड के पास बैंकेट हॉल के में जो पहले मालिक है उनका ऑफिस है। कल मैं वहां के जो मुमरा और शील विभाग के जो जनरल मैनेजर हैं शेख साहब उनसे मैंने कल अपॉइंटमेंट लिया था और आज मैं खुद मिलने गया था। मिलने के बाद मैंने उनसे कहा कि सर पहली बात तो जो मुमरा के लोग फोन करते हैं भिवंडी कॉल सेंटर में, ये सिस्टम बंद करना चाहिए। जिस तरीके से मुमरा में MSB मैक कंपनी नशेमन भारत गेयर और स्टेशन पे 4 विभाग में मुमरा कौसा को बांट करके रखी थी और लोग फोन करते थे, वहां से लोग आते थे और मुमरा में कंप्लेन अटेंड करते थे जिससे काम भी आसानी से हो जाता था और कंप्लेन भी जल्दी अटेंड हो जाती थी। तो हमने कहा कि ये कॉल सेंटर ये मुमरा के लोग भिवंडी में फोन करेंगे और कॉल सेंटर में वहां करें, फिर वहां से एड्रेस बतावे, फिर वो 3 घंटे के बाद ढूंढते हुए आवे, ये नहीं चलेगा, ये सिस्टम हमको नहीं चलेगा। आपको जैसे हम बता रहे हैं, सबसे पहली बात आपको मुमरा कौसा को और शील को विभागों में बांटना पड़ेगा। फिर से मैं बता देता हूँ, मुमरा स्टेशन का विभाग अलग करना पड़ेगा, मैक कंपनी का अलग करना पड़ेगा, नशेमन का अलग और भारत गेयर कंपनी का अलग। आप यहाँ पर अपना एक बंदा बिठाइए मुमरा कौसा का, जो जानकार बंदा हो, जो टेलीफोन ऑपरेटिंग जानता हो और जो सारे एड्रेस को जानता हो वहां पर बिठाइए और मुमरा कौसा और शील के लोगों को वो नंबर फॉरवर्ड करिए ताकि यहां से लोग वहां कंप्लेन करें और कंप्लेन आसानी से कंप्लेन पूरी हो जाए। दूसरी बात यह है कि हमने कहा कि सर जो आप लाइट बंद करते हैं जब काम करते हैं तो अगर 3 मिनी पिल्लर आजू बाजू में 3 मिनी पिल्लर है तो आप तीनों मिनी पिल्लर को बंद कर देते हैं, जो आपके लोग आते हैं उनको बराबर से नॉलेज नहीं, तो आप जो एरिया की लाइन जाती है उस एरिया का सिर्फ मिनी पिल्लर बंद करें। तीसरी बात यह है कि अगर आप मिनी पिल्लर बंद करके 1 मिनी पिल्लर से दूसरे मिनी पिल्लर को काम करें और पूरे एरिया की लाइट बंद है, समझिए 4-5 घंटा लगने वाला है, तो आप बंच कंडक्टर लाइए। बंच कंडक्टर लाने के बाद ये मिनी पिलर से ये मिनी पिलर को आप एक सर्विस वायर दौड़ा करके बंच कंडक्टर की शक्ल में ये लाइट को चालू कर दीजिए ताकि आपके लोगों की लाइट भी चालू रहे और आप नीचे काम करिए। और हमने कहा है कि बारिश आ रही है, बारिश से पहले जिस तरीके से MSB झाड़ को काट करके और सारे सिस्टम को सही करती थी,
तो उसी तरीके से आप लोग भी ये सारा सिस्टम पूरा कर लीजिए। अगर बारिश में और अभी रमजान में आप लोगों ने लोगों को तकलीफ दिया तो सर आप लोगों के खिलाफ बहुत ही सख्त आंदोलन होगा, क्योंकि मुमरा कौसा में स्टूडेंट के खिलाफ बहुत ही लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ और बहुत ही आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से लोड शेडिंग आपकी। बहरहाल नगर सेवक तो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, टोरेंट पावर ने इन्हें बिजली दुरुस्त करने का आश्वासन भी दी है, मगर अंधेरे में मुमरा कौसा के लोग रहने को मजबूर हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।